जी काका, आप ये लाओ जानकी बेटा, मुझे दो। करने दो जानकी बेटा, आज बहुत दिनों बाद ये किचन में आए। अरे वाह गोपू, बहुत अच्छा लग रहा है। आइए मीठी बहन बैठिए। जी काका, और तुम्हें तो पता था ना जानकी, कि तुम्हारे जी काका का कैटरिंग का बिजनेस था। जी दादी माँ, लेकिन कुछ मत पूछ बहुरानी, कुछ मत पूछ ना। अच्छा काम था मेरे गोपू का, हर रोज कुछ ना कुछ नई चीजें बनाकर खिलाया करता था मुझे। मैंने कितनी बार समझाया कि ये जमा जमाया व्यापार है, कर लो, लेकिन इसके औलादों ने एक नहीं सुनी। अब देख, तेरा ससुर ही देख, मनहर हर साल शेयर बाजार में घाटे का सौदा करता है, और वो कांतीड़ा, उसके ससुर ने उसे मसाले में डुबाया है, तो वो मसाला पीस पीस कर खुद ही मसाला बन गया है। और हरी चार पैसे कमाने के चक्कर में अपने खुद के ग्रहों में ही उलझा हुआ है। बताओ, सब ने अपना अपना नया रास्ता चुना, इनका सपना सपना ही रह गया। किसी ने इनके बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाया। अरे छोड़ो सुनंदा, तुम भी कब की बातें लेकर बैठ गई। बच्चे अपना कमा कर खा रहे हैं और हमें क्या चाहिए। ये तो जानकी अकेली काम कर रही थी तो हाथ बटाने चले आया। जी काका, आपने मेरे लिए इतना सोचा, यही मेरे लिए बहुत है, लेकिन प्लीज अब आप ये सब मुझे करने दीजिए। गोपू है, आज तू मुझे खाने बना के खिला, बहुत दिन से तेरे हाथ का कुछ खाया नहीं है। आपका सपना जरूर पूरा होगा जी काका, आपका बिजनेस वापस शुरू होगा।